दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन, अमित शाह बैठक में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा 2024 में जीत होगी और जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने बीजेपी बैठक में पार्टी के लोगों से कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर पूरा जोर दें। पीएम मोदी ने बैठक में कहा हमें दूसरों के नकारात्मक नैरेटिव में नहीं उलझना, सकारात्मक नैरेटिव पर ही चलना है। पीएम ने कहा हमें हर व्यक्ति का विश्वास जीतना है, भारत ऐसे मोड़ पर है जहां से 2047 तक विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाना है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा देश में महिला, युवा, किसान, गरीब यही चार जातियां हैं, इनकी भलाई के लिए काम करें। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक के पहले दिन विनोद तावड़े ने लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने के लिए बूथ स्तर तक काम करने पर बल दिया। पश्चिमी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर परचम लहराने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया, सीएम योगी खुद संभालेंगे मोर्चा। आज मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम, सीएम योगी चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुरादाबाद के बाद बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। प्राण प्रतिष्ठा पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान, बोले 22 जनवरी उतनी ही महत्वपूर्ण जितना 15 अगस्त 1947 था। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा सभी प्रमुख विपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दे दिया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रनवे का ट्रायल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उतारा गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने तीसरी बार भेजा नोटिस, 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया, पहले 2 समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा ईडी के सामने जाने से डर जाते हैं केजरीवाल, लगातार बना रहे हैं बहाना। शहजाद पूनावाला बोले दिल्ली सीएम पहले दूसरों के लिए पैमाने सेट करते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच होगी, आज जांच में शामिल तक होने को तैयार नहीं। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज, जमानत के लिए रखे गए आधार से अदालत संतुष्ट नहीं। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा साक्ष्यों के मुताबिक प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। जज ने अपने आदेश में कहा मौजूदा साक्ष्य अदालत को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में आरोपी हैं। न्यू ईयर से पहले मनीष सिसोदिया को झटका, अदालत ने 19 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कर्नाटक में लगा हिजाब पर बैन, अब हटेगा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की घोषणा। मराठा आरक्षण पर फिर गरमा सकती है महाराष्ट्र की सियासत, आज रणनीति का ऐलान करेंगे मनोज जारंगे। साक्षी मलिक से मिली प्रियंका गांधी, घर जाकर की मुलाकात, बजरंग पुनिया भी रहे मौजूद। रेसलर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाया, कहा हमें इंसाफ का भरोसा दिया गया था। खेल मंत्रालय ने पद्मश्री लौटाना बजरंग पुनिया का निजी फैसला बताया, रेसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं ये भी कहा। नीतीश की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस अध्यक्ष पड़गे को नहीं जानते, आम जनता नीतीश कुमार को जानती है। पीएम उम्मीदवार को लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं, इंडी गठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा। गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, राहुल गांधी ने संवैधानिक पदों का मजाक बनाया। जैसलमेर में आज लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में होंगे शामिल। दिल्ली में विकसित भारत संवाद में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। गणतंत्र दिवस पर भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा दुनिया के हर कोने में जाना चाहिए संदेश। मानव तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, भगोड़े सऊदी जाकिर को कोची से पकड़ा। माफिया अतीक के रिश्तेदार पर एसटीएफ का एक्शन, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कमर अहमद गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पत्नी ने लगाया बुरी तरह से पीटने का आरोप। पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आज एमपी एमएलए सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की नई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा नक्सलियों के नाम पर गांव वालों को कर रहे हैं गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल, सुरनकोट इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। हरियाणा के गुरुग्राम में गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट चोरों के गिरोह का भंडा फोड़ किया, 10 चोरों को गिरफ्तार किया। नोएडा के सेक्टर 126 के एक हाई राइज बिल्डिंग की गिरी लिफ्ट, हादसे में 9 लोग घायल। 300 से ज्यादा भारतीय यात्रियों को ले जा रहे विमान को फ्रांस में रोका गया, मानव तस्करी के शक में कार्रवाई। पेरिस प्रोसिक्यूटर अधिकारी ने कहा विमान में सवार सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ हमले तेज किए, लड़ाई का वीडियो जारी किया। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सूर्य कुमार यादव के टखने में लगी गंभीर चोट, फरवरी तक मैदान में नहीं उतर पाएंगे सूर्य कुमार यादव। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में मजबूत पकड़ बनाई, दूसरे दिन तक पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 376 रन बनाए।